डंगरे शंगरे की फिक्र ना करें, सही है, रोड की जाओ ना खाएं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो क्या हाल चाल है यार, सबका ठीक हूँ, उम्मीद है सब खैरियत से हो गए। वेलकम करते हैं आपको न्यू व्लॉग में। आज का कुछ सीन इस तरह है कि मैं जा रहा हूँ अटक, हमारा एक दोस्त है, नेम सेलेक्ट हुआ है छोटा जेबी, तो उसको हम छोड़ने जा रहे हैं। तो हम हैं कोई 8 से 9 लड़के, तो उधर 12 बजे इसकी ट्रेन आएगी खैबर मेल, उस पर यह जाएगा। तो रात हम इंशाल्लाह अटक ही सारे गुजारेंगे, हमने एक क्वार्टर का अरेंज किया है, उधर ही सारे रुकेंगे। तो अभी चलते हैं स्टेशन पर, टाइम हो गया 7:45 और 7:45 तक ट्रेन आ जाती है। तो गांव से सारे उधर से लड़के आ रहे हैं आधे, और मैं इधर से जा रहा हूँ स्टेशन। मैं अभी पहुँच गया हूँ स्टेशन के पास, ये है दुमेल की फाटक शरीफ मेन। तो एक रास्ता ये जाता है पंडिसराल की तरफ, ये रास्ता जाता है नमल की तरफ, ये रास्ता जाता है दुमेल गांव की तरफ, और ये रास्ता जाता है पिंड सुल्तानी की तरफ। ये है जी दुमेल स्टेशन की पुरानी बिल्डिंग, पुरानी टैंकी बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी ये देखे हैं, ये पाइप लाइन है सारे पानी की, ये सारे स्टेशन क्वार्टर्स को पानी वगैरह देने के लिए ये टैंकी हुआ करती थी, अभी ये आबाद नहीं है, ख़त्म है बिल्डिंग बिल्कुल। ये है जी दुमेल स्टेशन का मंज़र, अभी स्टेशन पहुंच चुके हैं जेबी, और जेबी के फादर साहब भी पहुंच चुके हैं, और ये स्पाटू गैंग के सारे लड़के आ चुके हैं, 1 2 3 कितने गया मोहसिन, अनफिया और मोहसिन। ये क्वार्टर वाली ट्रेन, इसका क्रॉस होगा हमारी ट्रेन के साथ, अभी हम जो आ रही है उधर से अटक से और गंज से नमल शरीफ में, इसका क्रॉस होगा। अभी हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है नमल, और शेरी साहब मोहसिन मौलाना मोहसिन जी, सैयद अनफिया और हादी, और साथ है अरुण, और ये हमारे दूल्हा भाई, दूल्हा भाई जा रहे हैं। इंशाल्लाह गाइस अगले व्लॉग में मैं वर्दी के साथ आऊँगा, इंशाल्लाह लेने आएंगे, आओगे तुम लड़के के साथ। हमारी ट्रेन आ चुकी है अटक के लिए, तो चलते हैं अटक, तो अटक जाकर इंशाल्लाह आपको मिलते हैं। पहुंच गए हैं ट्रेन पे, ट्रेन पे पहुंच। तो यार अभी हम अटक पहुंचे हैं, और ये सारा सामान लेके आ रहे हैं, शेरी लोग पीछे रुक गए हैं, मोहसिन और शेरी, क्योंकि शेरी के फादर साहब और मामू भी उनके साथ हैं। तो हम चलते हैं अभी क्वार्टर, और वहाँ बैग शेक रखते हैं, फिर निकलते हैं बाहर। यार शेरी लोगों को बिठा दिया है सबको क्वार्टर में, और मैं जा रहा हूँ देने अंकल लोगों को मोबाइल, जो हमने दिन के टाइम उनके लिए लिया था। तो अभी चलते हैं उनके घर, और ये चेक करने के लिए देते हैं, ताकि हसन एक रात इसको यही चेक कर, फिर ओके करे, हम वाजिद भाई को उसके फिर कल पेमेंट कर देंगे। अभी हम आ चुके हैं रोटियाँ ले के क्वार्टर में, तो खाना शाना खाते हैं, उसके बाद चलेंगे हम चाय पीने। ये चाचू दी लोग इधर हैं मौसम के, तो फाइनली हम पहुँच गए रूम में, सारे बैठे हैं, अभी हमने खाना खाया है, तो जा रहे हैं चाय पीने सारे। तो अभी हम जा रहे हैं यार चाय पीने क्वार्टर होटल पे, तो दोस्त वहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं, तो अजबी साहब अभी काफ़ी एहतियात ले रहे हैं अपने फादर साहब से। तो अभी हम चलते हैं क्वार्टर होटल, फिर मिलते हैं आपको वहाँ जाके। तो यार अभी यार इसको कौन कौन जानता है, आप लोगों का फेवरेट है यार, तो ये उमर भाई, और अभी सारे आए हैं यार चाय पिए, चाय पी के चलते हैं, क्योंकि टाइम है 11 होने वाली है, तो हमारा दिल है कि 11:30 स्टेशन पहुँच जाए। अभी हम निकल पड़े हैं, ये बैग उठाया हुआ मोहसिन और जे आदि ने, हमारे साथ जो आ रहे हैं शेरी और हारून, और इनके वालिद साहब पहुंच चुके हैं स्टेशन पे, और इनके मामू स्टेशन में बैठे हुए, कह रहे हैं कि आ जाओ अभी 15 मिनट पहले, ताकि थोड़ा सा जाओ बैठ जाओ। अभी फोटो सेशन शुरू हो गया, सारे बना रहे हैं पिक्चर वगैरह सेबी के साथ। मोहसिन साहब जो जो चीज़ें आपको बताई हैं ट्रेन से, जब ट्रेन के ऊपर चढ़ेगा ना, तो जो जो चीज़ मैंने आपको बताई हैं, वो बल्कि आपने जो सोची हुई हैं वो आपने करनी है, ठीक है शेरी साहब। तो यार ट्रेन आ चुकी है, आखिरी लम्हात हैं, तू भी रोवा।
ਡੰਗਰ ਸ਼ਗਰੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੇ ਸਹੀ ਹੈ ਰੋਟੀ ਹੋਈ ਜਾ ਨਾ ਖਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਦੀ ਫਿਰ ਚਾਰ ਤੂੰ ਫੋਰੀ ਮੇਂ ਇਧਰ ਚਾ ਕੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਕਰ ਤੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਗਈ ਕਮ ਨਹੀਂ जा रहे हैं सोडा पीने तो मोहसिन के साथ बहुत सख्त प्रैंक है बहुत अच्छे वाला प्रैंक हुआ मोहसिन साहब अच्छा क्या हुआ है जी बताएं मोहसिन साहब मैं बताता हूँ मोहसिन साहब ने अंशिया को मोहसिन बाबा तंग कर रखा तो इस तरह हुआ है मोहसिन कहता है अंशिया को कुछ बात बोलते बोलते रेलवे लाइन क्रॉस कर रहा था तो रेलवे लाइन के साथ तारे होती है ना उधर साहब मोहसिन साहब गिरे हैं यूँ तो मोहसिन साहब की बात आधी मुँह में रह गई है तो यार अभी हम जा रहे हैं दस साल पीछे आ रहे हैं अरुण मोहसिन साहब को अच्छी कंपनी दे रहा है क्योंकि उसके जाने के बाद सब इमोशनल हो गए कपड़े चाहे वो पिंडी जाए या कराची जाए लेकिन बंदा जब छः महीने सात महीने के लिए जाए तो महसूस होता है तो मोहसिन साहब जैसे जैसे अल्फाज यूज़ कर रहे थे सबको फ्रेश कर दिया तो होता है यार होता है अरुण का दोस्त था बहुत करीबी इस वजह से हमारे काम से यूनिवर्सिटी के पास से वापस जा रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ से सोडा नहीं मिला टाइम हो गया और अभी हम जा रहे हैं क्वार्टर वापस नहीं क्वार्टर ही जा रहे हैं ये कहते हैं हमारा चौक से मिलेगा सोडा का आदमी पी के जाना है तो कह रहे हैं यार खाना खाया हुआ तो तबीयत सबकी ख़राब है हमने चाय पी है लेकिन चाय मज़े की नहीं थी ये नहीं बताते हमने किधर से पिया बल्कि आपने देख लिया होगा किधर से पिया है तो लिहाजा अभी हम जाते हैं सोडा पी नहीं देंगे हम लोग रिव्यू नहीं देंगे क्या पिया आपने यार हमें सोडा नहीं मिला तो मैंने तो आगे से ये कहते हैं बर्फ कूट के गिना है तो चलते यार अभी क्वार्टर में आराम करते हैं सुबह जाना है बर्गर पड़ा तो चलते हैं हम क्वार्टर और जाके आराम करते हैं यार अभी हम क्वार्टर में आ चुके हैं तो सारे बस आराम कर रहे हैं अरुण आदि और ये दो नीचे इशारा मिलते हैं आपको सुबह अभी बहुत थके हुए हैं रात के हो गए हैं तीन हो रहे हैं तो सोते हैं रात के तीन हो रहे हैं टाइम हुए हैं रात के दो हो रहे हैं तो अभी सोते हैं इंशाल्लाह तो सुबह इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे The next day. उठ के आए अभी तो यार रात को सो गए तो उसके बाद उठ के आए नाश्ता करने के लिए अभी और ये हमारे तो नाश्ता करते नाश्ता करते शेयर को दो तीन काम है वो करके फिर इंशाल्लाह हमने लेना है ट्राउज़र एक शर्ट और एक माइक लेना है यार वायरलेस माइक बोलते हैं वायरलेस माइक लेना है तो उसके बाद चलेंगे एक गाँव यार हमारा नाश्ता आ गया हमें चाय आ गई चेक करना है जा रहे नाश्ता करके हम बाज़ार चले गए थे बाज़ार से हमने लिए कुछ ट्राउज़र और शर्टें उसके बाद हम माइक लेने गए हैं वायरलेस माइक लेकिन माइक लेके माइक पसंद नहीं आया हमें क्योंकि एक तो उनके रेट बहुत हाई थे दूसरा हमने कहा यार फिर आराम से आएंगे किसी दिन 15 मिनट अभी हमारे पास 15 मिनट है तो अभी चलते हैं स्टेशन पर टिकट वगैरह लेते हैं और चलते हैं फिर गांव की तरफ ट्रेन चल चुकी है दुमेल के लिए तो मिलते हैं आपको इंशाल्लाह दुमेल गांव जा के क्यों मुझे साहब कैसा रहा अच्छा सफर बहुत अच्छा रहा घर भी जा रहे हैं घर और हसन भैया के से लेने आ रहे हैं तो जम्मू के टाइम है नहीं तो मैं पैदल चला जाता तो व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़ हसन भाई और पकीज़ा दोनों आ गए हैं हसन भाई इसको उठा ला गर्मी में